नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शिवराज सरकार ने गाय मारो योजना बना रखी है, या सरकार धर्म विरोधी सरकार है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 132 करोड़ रुपए गाय माताओं के लिए बजट सैंक्शन किए थे, उसमें बीजेपी सरकार बजट घटाकर केवल 11 करोड़ गौ माता के लिए शिवराज सरकार ने बजट दिए हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पूर्ण रूप से धर्म विरोधी सरकार है, जिसे पूरा संत समाज नाराज है और इसका विरोध करता है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि शिवराज सरकार को सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के 132 करोड़ रुपए दिए थे, उसे ही लागू किया जाए, अन्यथा संत समाज सड़कों पर उतरेगा और गाय माता के लिए आंदोलन करेगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि फिर गायों के लिए प्रावधान नहीं किया तो उन्हें गौ माता का श्राप लगेगा। शिवराज की गाय मारो योजना, एक गाय को सिर्फ 1.60 रुपए का भोजन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1.80 करोड़ गायों के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, यानी प्रति गाय लगभग 1,60,000 रुपए शिवराज सरकार ने कमलनाथ जी द्वारा गौशाला के लिए स्वीकृत 132 करोड़ में 70 अनुपात की कटौती कर एक गाय के लिए 1,60,000 पैसे दिए गए हैं। शिवराज जी के 1,60,000 पैसे में किसी गाय का पेट भर सकता है क्या? प्रदेश का संत समाज गौ माता पर अत्याचार नहीं सहेगा। शिवराज सरकार ने गौ माता को भूखे मारने की योजना बनाई है। मैं शिवराज को चेतावनी देता हूँ, गौशालाओं के बजट में वृद्धि करें, अन्यथा संत समाज प्रदेश भर में व्यापक प्रदर्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। शिवराज सरकार ने गाय मारो योजना बना ली है। ये सरकार धर्म विरोधी सरकार है। पिछली कमलनाथ सरकार ने 132 करोड़ रुपये गाय माता के लिए, गौ माता के लिए सैंक्शन किए थे, उसमें घटा करके केवल 11 करोड़ रुपये गौ माता के लिए शिवराज सरकार ने दिए हैं, जिसमें 1.60 रुपया एक दिन का भोजन। बताइए कैसे भोजन कर पाएंगे 1.60 रुपये में? एक घास का ग्रास भी जो है, एक छोटा सा कट्टा भी जो है, वो 5 रुपये का आता है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म विरोधी सरकार है, पूरा संत समाज बेहद नाराज है। मैं माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शिवराज सरकार को सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि तत्काल इसको सुधार करें। पिछले जो सरकार ने 132 करोड़ रुपए दिए थे उतना ही किए, अन्यथा संत समाज सड़कों पर उतरेगा और गौ माता को तो भूखे नहीं रहने देगा, गौ माता की शराब लगेगी। शिवराज जी, आप तत्काल इसके बारे में विचार करें। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।